हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबको अनुज की तरफ से एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो भाई सबसे पहला मौसम देखो ना, कितना मस्त हो रखा है मौसम एकदम। भाई पूरी सुबह सुबह हवा चल रही है, टाइम बज रहे हैं भाई 10। तो हम आए हुए हैं भाई रायपुर से 100 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे लोडिंग के लिए, गाड़ी लोड करने के लिए। और ये देखो गाड़ी लग गई है भाई लोडिंग पे। हवा तो काफ़ी मस्त चल रही है, बस अब लोड हो जाए। मेन दिक्कत ये है ना, बारिश नहीं होनी चाहिए यार। बारिश ना हो तो लोड हो गए, एक बार तिरपाल हमारे हो जाएँ, उसके बाद चाहे बारिश हो ना हो। क्योंकि आज संडे है, अगर हम शाम तक यहाँ से निकल गए तो हमें शाम को जाना है वापस से वर्कशॉप। कल गाड़ी का फिर से थोड़ा काम है वर्कशॉप पे, फिर यहाँ के लिए निकलें। वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए निकल जाएंगे। हो हमारे राजू भाई भी आ गए। भाई के होते हैं ना, मतलब एक ही यहाँ पे भाई हैं। ये भाई भी, इस भाई से हम रात को फर्स्ट टाइम मिले ना, राजू भाई से मिले। मैंने तभी बोल रहा था अंकल को, मैं राजू भाई को भेजो। मतलब राजू भाई के होते कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे, मतलब भाई से भी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं भाई। हाय। तो बस भाई को भाई बोलते हैं ना उसको, क्या सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई को। और भाई मतलब मैं मतलब बता नहीं सकता, भाई जब से आए ना, मतलब मैं तो मतलब जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन भाई से जब से मिला मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई की मेरे को भी सच में यार बहुत मजा आया, राजू भाई से मजा आया भाई। रात में अपने को रात में हम कुछ टाइम में सो रहे हैं, कोई कहीं सो रहा है, क्योंकि हम तो रात को पहुंच गए थे। पर और यहाँ पे ना इस फैक्ट्री में 2 पर्सन अलाउड हैं, तो फिर जैसे जैसे करके हम रह रहे हैं। एक बंदे को रात को कहाँ बाहर छोड़े भाई, अभी तो हम 3 हैं, उसमें ताहिर, गौरव और साहिर भाई हैं। वो गाड़ी वहाँ पे लोड हो रही है, वहीं चलते हैं। और यहाँ पे हमारे ताहिर आ चुके हैं, और ताहिर भाई को एक नई चीज़ पता चलेगी। ताहिर बारिश कहाँ से आती है? ऊपर से। और दाहिर भाई से मैंने भी देखी कभी आती, वो आ गई भाई बारिश आ गई। ओहो भाई दौड़ो उस गाड़ी में, अब आ गई बारिश तो भैया चले ऊपर, जल्दी से तरपाल डालना है क्योंकि माल गीला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस एक ही दिक्कत है, बारिश कभी भी आ सकती है, मौसम का यहाँ पे भाई बिल्कुल पता नहीं चलता। अभी तो हम छत्तीसगढ़ पे ही हैं, देखो यहाँ पे फिर बारिश आ गई, शीशे देखो कितने। और हमने फिर से हल्का हल्का तरपाल किया वहाँ पे, साहिल भाई ने तरपाल किया, वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का, फिर तरपाल खोलेंगे। चाय वगैरह पी ली गाइस। तो देखो एक गाड़ी इतनी हो गई है, ताहिर भाई इस पे कर रहे हैं रस्ता, क्योंकि आधी यहाँ से लोड करनी है आधी आगे से करनी है, तो माल के ऊपर रस्ता होना चाहिए। ताहिर भाई उधर है बंदा? कोई नहीं है। इस गाड़ी की अपनी गाड़ी की हाइट ज्यादा, अपनी गाड़ी लंबी है पर फिर भी हाइट ज्यादा हो रही है। हल्का माल है इस पे ना, मतलब बैग है 20 kg वाले, इस पे 50 kg वाले। तो गाइस बारिश तो बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, 10 की बारिश बताइए यहाँ पे। और हम सब भाई बैठे हैं यहाँ गाड़ी पे ही, इंतजार कर रहे हैं बारिश रुके। और साहिल भाई वाली गाड़ी तो लोड हो रही है बारिश में भी, मतलब वो तो कर देंगे, हमारी भी हो जाएगी शाम तक। अभी गए ताहिर और गौरव बाहर चाय लेने के लिए, कुछ खाने के लिए, क्योंकि 12 बजने वाले हैं। थोड़ी हल्की फुल्की ब्रेकफास्ट ही कर लें, फिर लोड करके खाना खाएंगे। ओ भाई बारिश तो काफ़ी बढ़ गई है अब यार, बहुत ज़्यादा भाई। अपनी भी हो रही है भाई गाड़ी यहाँ पे लोड, अब रस्ता कर ले इसके ऊपर, साहिल भाई वैसा निकालने वाले हैं। क्योंकि यार नई जगह आए, थोड़ा नई जगह पे आके नए तरीके से रहना, एक थोड़ा डलना उस तरीके को, मतलब होता है ना कि उस तरीके में अपने आप को फिट करना थोड़ा टाइम लग जाता है। एक गाड़ी नई है अभी, गाड़ी पे जैसा मेरे को है, क्योंकि हम जम्मू में रहते हैं, और जम्मू में और यहाँ पे गाड़ी में फ़र्क है सामान रखने में हर चीज़ में। तो बस पहले लोड हो जाए गाड़ी, एक तो स्टेशन पर पहुँचे, जो भी अपना अपने तरीके से, मैं और गौरव जो इस पर एक्स्ट्रा सामान जो हमारे यूज़ करने वाला बाहर निकालेंगे, जो हमें चाहिए वो सामान इस पर रखेंगे। और काफ़ी चीज़ें इसमें मिस है, मतलब जो कश्मीरी गाड़ी में या जम्मू की गाड़ी में होती है, वो भी धीरे धीरे करवाएंगे। सो स्टेप बाय स्टेप बाकी रास्ता फिर से आगे पर रास्ता करके आया हमें। मतलब देखो यहाँ पे ये एंगल भी है थोड़े कमजोर है, थोड़े मोटे वाले होने चाहिए बढ़िया वाले, ताकि ना होते किस लिए एंगल, गाड़ी की सेफ्टी के लिए। अगर थोड़े मोटे होंगे, अगर छोटी गाड़ी की लग रही है उसका भी बचाव हो जाए, गाड़ी पूरी गाड़ी के अंदर ना चली जाए, और भाई अपनी गाड़ी भी सेफ रहे। तो इस साइड व्हील कवर लगा दे, व्हील कवर अभी लगवा सकते हैं। और हो रही है भाई लोडिंग भी, हो भी रही है, रुक भी रही है, क्योंकि बारिश का मौसम है। हम कर रहे थे भाई कुछ साफ़ सफाई यहाँ पे, अभी की है साफ़ सफाई, थोड़ी सेटिंग किया है,
चार्जर एक चलाया जुगाड़ कर, ये ख़राब है ये लगाएंगे शाम को नया अडॉप्टर। यहाँ मंदिर है और लाइटें वगैरह फिट की हैं मस्त भाई, देखो यार रात को सही लगेंगी ये। कुछ यहाँ से सामान खोलेंगे क्योंकि उस सर की विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, और ये भी खोल देंगे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रही है। सो भाई फाइनली गाड़ी अपनी हो गई है लोड, अब करवाना है भाई कांटा, माल थोड़ा हाइट में है और अपने लाइटें वगैरह ऑलमोस्ट फिट कर दी हैं। अब वो आगे साहिल भाई की भी गाड़ी है, ये देखो भाई आगे साहिल भाई की गाड़ी, वो भी आधी लोड हो गई है। ताहिर कर रहा है बाय बाय। ये कुंडा लगाया हमने पुराना अंदर से मिला, इसको लगाएंगे नहीं। आप वायरिंग वास्ट यहाँ से कट की हुई है गाड़ी में, म्यूजिक सिस्टम अच्छा है इस पर। होगी भाई गाड़ी अपनी लोड, क्या देख रहे हो लगाई है अभी कांटे में गाड़ी, गाड़ी को हो रहा है कांटा, फिर बाहर निकाल के करेंगे इसको रस्सा तरपाल, फिर यहाँ से चलेगी। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feeling. भाई हो गया अपना रसा तरपाल, देखो भाई पूरा कर दिया, मतलब उस गाड़ी में करवाना है वो भी हो गई है लोड। अभी वेट कर रहे गाड़ी का कांटे का, ताला करवाया था फिर उन्होंने बोला कि तरपाल करके फिर से कराओ, फिर उसको गाड़ी का तरपाल किया पूरा फिनिश। अब आगे एक गाड़ी कांटा करा रही है वो निकले फिर बारी बाजी। आगे है गाड़ी भाई वेट ब्रिज पे, यहाँ पे वेट होगा गाड़ी का कितना वेट है, ओवरलोड तो नहीं है कहीं, तो फिर निकलेंगे यहाँ से बाहर। साहिल भाई की गाड़ी भी ऑलमोस्ट होने वाली, उसमें तरपाल करना, और भूख भी भाई बहुत लग रही है। अरे कपल लगाए थे इस साइड सब हो गए, उस साइड रहते हैं दो वो लगाएंगे कल, तो आज शाम को ही। ओह भाई फाइनली अपना सारा काम कंप्लीट, तरपाल रसा कर दिया, बिल्टी मिलेगी गाड़ी निकालेंगे थोड़ी देर में। साहिल भाई की गाड़ी में करेंगे तरपाल रसा, फिर जहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर है जहाँ में रायपुर जाना है, रायपुर जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं वहीं जाएंगे, उसी चौक पर रुकेंगे। तो भाई चार्जर भी चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, बस कूलर नहीं चल रहा गाड़ी में, कुछ वायरिंग में पंगा था, कूलर भी कल चल जाएगा, पर शाम को कूलर को भी चला देंगे। और आज भाई दिन को खाना भी नहीं मिला, मतलब ना सुबह से ब्रेकफास्ट ना खाना, बस चाय और समोसे खा के टाइम निकाल रहे, क्योंकि यहाँ पर ना ढाबा है ना कुछ, पर हमने खाना बनाया भी नहीं क्योंकि गैस इन्होंने जमा कर ली है, फैक्ट्री के अंदर गैस अलाउड नहीं है। अब यहाँ से निकले और खाना खाएंगे, और बताना भाई अंदर से गाड़ी कैसी लग रही है। आ गया भाई शिवजी भगवान की मूर्ति, और देखो भाई ये भी नया, मतलब अंदर से मिला हमको, हमने लगा दिया, तो नया लगा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई शाम होगी, तरपाला बिल्कुल नीला, नीचे करो माल से ऊंचा है, माल दिख रहा है सामने, ये ऊपर है कोई, ताहिर भाई डाल रहे हैं तरपाल यार, इस पर भी करें फिर निकले यार। तो वैसे यहाँ पे ना पानी भी लेके पीना पड़ता है, और जो यहाँ का पानी है वो अलग ही है, मतलब जैसे शुभम भाई और रायपुर रहते वो भी यहाँ पे पानी नहीं पीते इस जगह में, मतलब जैसे वहाँ से बाहर जाओ तो यहाँ पे बोतल मिलती भाई 10 रुपये की, उसमें फिल्टर पानी है। क्योंकि थक गए भाई, साहिल भाई की गाड़ी में आधा तरपाल किया, उसके बाद भाई कांटा करवाओ, फिर कुछ गाड़ी का वेट ज़्यादा था क्योंकि पानी भर के रख लिया था, वो उतारो क्योंकि यहाँ पे बड़ा भाई वो टेंशन रहती है, सामान उतारो, गैस सिलेंडर बाहर रखो, बस आधा तरपाल हो गया, आधा करना है तो उसके बाद लोडिंग वगैरह देनी है, फिर गाड़ियाँ निकल जाएंगी, फिर जाएंगे सीधा रायपुर। पर कल से नहाए नहीं है, मैं नहाएंगे कपड़े वगैरह धोएंगे आराम करेंगे, वहाँ जाके गाड़ी का भी काफ़ी काम है, मतलब कल हमको फिर से गैराज जाना, आपको पता है कल गैराज जाके भी सिलेंसर खोलने का शायद एक दिन या दो दिन का वहाँ पर काम है, जब वो कंप्लीट होगा फिर हम निकलेंगे। और गाड़ी बिल्कुल गंदी है, कल हमने सब सीटें वगैरह बाहर निकालेंगे, क्योंकि मेरे को और गौरव को इस गाड़ी पे रहना है, तो उसको अच्छे तरीके से अपने हिसाब से रखेंगे जैसे हमें रहना है, क्योंकि हमारा ये घर है, हमें अपने घर पर रहना, और घर अपना अपने तरीके से रखेंगे। ओ भाई फाइनली दोनों गाड़ी पर रसा तरपाल हो गए, वो गाड़ी भी आ गई, आ गए भाई दोनों मस्त यहाँ पे, दोनों गाड़ियाँ भाई, पर दोनों मस्त लग रही है क्योंकि दोनों की ब्लैक शो है ना, पर इसका मुँह काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसका मुँह थोड़ा छोटा लग रहा है, अभी इस पर लिखवाया शीशे में, कल परसों इस पर भी लिखवा देंगे। अभी ये पुरानी मतलब ये बेचारी गैराज जाएगी, इसकी लाइटें भी खोलनी है। तो गाइस निकल रहे हैं यहाँ से बाहर, वैसे कुछ चेकिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पे ना रूल है गाड़ी पे 3 तरपाल होने चाहिए कि माल भीगे ना, क्योंकि हमने लोड किया है जो मुर्गी का दाना या जो मछली को खिलाते हैं ना उसका वो दाना। तो बस जाएँ रुकें अभी, आगे साहिल भाई पीछे में, बस गेट से निकलें, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलूँ, बोल रहा है मतलब एक तिरपाल और इसमें दो ही है, दो ही तिरपाल मारे ऊपर, बोलो तीसरा ऊपर मारा ना ऊपर ऊपर में, मैंने बोला उसको लेकिन उसने पहले फाइनली जिस टाइम का इंतजार था वो आ चुका है। यहाँ पे रही पूरी फैक्ट्री,
एंड अपनी गाड़ियाँ पूरी हो चुकी है कंप्लीट, आ रही है फैक्ट्री से बाहर, आगे आगे साहिल भैया के पीछे पीछे हम आ रही। आगे पर वही दिक्कत हो गई जो कल से हो रही थी, मतलब स्टॉप इंजन वाली और गाड़ी का आरपीएम 15 से ऊपर नहीं जा रहा और हम 30 की स्पीड में चल रहे हैं। साहिल और निकल के आगे उनको हमने बोला कि आप निकलो खाना वगैरह खाओ हम भी पहुंचेंगे, क्योंकि यहां से तकरीबन 50 किलोमीटर होगा ना, हाँ नहीं यहां से 80 किलोमीटर जाना और 20 की स्पीड में, अब देखो कब तक पहुंच पाएंगे, रात 10 बज जाएंगे और मुझे लगता है सच में इसमें डीजल और डालना पड़ेगा अगर इसी स्पीड में चलेंगे, तेल ही खाएगी। चल रहे हैं धीरे धीरे इंडिकेटर देके, और चारों इंडिकेटर का भाई यही मीनिंग रहता है कि गाड़ी में कोई दिक्कत है तभी हमने दिन को ऑन किए हुए हैं। तो भाई अभी हम जा किधर रहे हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि कल तो हम निकलेंगे नहीं परसों निकलेंगे, तो परसों हमको पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। और हम साहिल भाई को पास करने वाले क्योंकि वो खड़े हो गए, खड़ी गाड़ी को हम पास कर सकते हैं नहीं होगी, मैंने कल चेक किया पूरा इसको, उसने बोला था मिस्त्री ने भी। ये रुकी है भाई साहिल भाई की गाड़ी, अंधेरा पड़ गया पूरा, देखो आगे लाइटें ऑन हो गई हैं, तो ये देखो भाई धूप किया भाई, शाम का टाइम है मंदिर में, लाइटें ऑन की मंदिर में, चल रहे हैं भाई अब पता नहीं कब तक पहुंच पाएंगे, कब तक पहुंचेंगे 20 की स्पीड में, दिक्कत होगी यार, और 80 किलोमीटर चल रहा है और यहाँ पे भाई स्टेडियम है छोटा सा, ए स्टेडियम है ना भाई, स्टेडियम भाई। सो गाइस जब किस्मत खराब हो ना, मतलब जब बंदे की किस्मत इसका साथ नहीं तो ऐसा ही हो जाए, वो हम ट्रक पे भाई तो हम साइकिल पास करके चली गई यार, फर्स्ट टाइम ऐसा हमें ट्रक साइकिल पास करके जा रही है। 8 बज गए गाइस यार, अभी बस चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, भूख भी लगी, अभी आगे कहीं साहिल भाई रुके हैं, उन्होंने बोलता हम थोड़ा ही है, अगर हमसे 20 किलोमीटर भी आगे होंगे तो हमें 1 घंटा लगेगा क्योंकि हम 20 की स्पीड में चल रहे हैं। सब भाई भी यहाँ परेशान हो गए पर दिन से खाना किसी ने भी नहीं खाया, पहले खाना वगैरह खाएंगे, अब गाड़ी है अब पहुँचानी है, धीरे धीरे चलेंगे 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे, फिर सुबह गैराज ले जाएंगे, सुबह इसका सारा काम आई होप कंप्लीट हो जाए, फिर निकलें यहाँ का माल किया वहाँ के लिए। ओ भाई मसला ही है यार, थके चल चल के यार, एक तो भूख लगी है इतनी, इस ढाबे पे रुके आगे रुके हैं आगे रुकते हैं यार, अभी साहिल भाई के टोल पे फास्टैग डाल रहे हैं, फास्टैग में मतलब टोल पैसे डाल रहे हैं। तो भाई 9 बज गए यार, मतलब अलग ही सा फील आ रहा है, इसको छोड़ो सीधे में खुद चलती रहती है, कोई इसको छेड़ना नहीं, खुद चल रही है धीरे धीरे। अब फाइनली साहिल भाई और रुके आगे यार, अब खाना खाएंगे, अब भूख भी बर्दाश्त नहीं रही, क्यों भाई अब बहुत ज्यादा भाई भूख लगी है, लाइट भी ऑन कर दी भाई, पबजी खेल करके थक गए फिर से बैठ गया, क्योंकि कितनी गेम लगाएगा इंसान, 2-4 बार खेलेगा फिर थक जाएगा। भाई फाइनली पहुंच गए ढाबे पे यार, मतलब सुबह की ब्रेकफास्ट, दिन का लंच और डिनर हम एक साथ करने वाले यहाँ सब भाई बैठे हैं, और ये भाई आज हमारा आगे इंतज़ार करते हैं, हम आ रहे हैं, हमारा लंबा सफ़र है, हम आराम से चल रहे हैं, हम तेज़ नहीं चलते भाई, स्पीड अवॉइड करते हैं हम, ये भाई तेज़ चलते हैं। इंतजार का मतलब उनसे हम कह रहे थे हमें भूख लगी है, इंतज़ार का मतलब ताहिर से पूछो, ताहिर पैर फुट में ना खा सकता है, इंतज़ार में आ रही है गाड़ी, ताहिर दूर से देखो कितनी खुशी हुई जो तेरे को गाड़ी दिखी कि आ गए, सुबह से खाना नहीं खाया और माल हाइट वाला था, तरपाल कर रहा काफी, पर फर्स्ट टाइम था, पहले बार था कैसे कहाँ लोड कर रहा हूँ, 3-4 जगह से गाड़ी लोड करनी पड़ी, थोड़ी दिक्कत रही पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सीख जाएंगे। सब भाई बैठे यार, अपनी गाड़ी 2 जगह से हो गई लोड, नहीं हमारी तो 4-5 जगह हो गया गाइस, खाना पीना अपना, मतलब 5 बंदे थे, 1000 रुपये बिल बना, एक हफ्ते सोचा ठीक बना, 200 रुपया बनता है एक बंदे का, पर चलो ठीक है यार, अब जब से कल अपना सफ़र स्टार्ट हुआ फिर खाना खुद का भी कोशिश करेंगे बनाने का, ये लाइटें ऑन करके गया था मैं पार्किंग वाली, ये देखो यहाँ पर सिद्धू मूसे वाले का फोटो था, पर अपने पुराना हो गया, इसको भी करेंगे नया लगवाएंगे, गाड़ी लॉक है तभी गौरव यहाँ घूम रहा है, फिर से रुक गए। हाँ भाई खाना पीना अपना हो गया, वहाँ से हम निकल आए, यहाँ पे थोड़ा डीजल डालना, अपनी गाड़ी में उतरो डाल के आए, गाड़ी भाई वहाँ पहुँच जाती, पर ऐसा ना हो 3 नंबर में चल रहे कंटिन्यू तो तेल ज़्यादा खा रही है, तो सोच रहे 2000 का और डाल ले,
आजकल आपको पता है यार आधे पंपों में तेल भी नहीं मिल रहा, आगे कहीं जगह ऐसी जगह काम हो जाए तो मुश्किल हो जाएगी। अभी मुझे इस गाड़ी का पता भी नहीं है कि रिजर्व कितने में लगता है, कितने पॉइंट में है, मुझे लग रहा है इसमें डाल लेना चाहिए। तो कल मैं अपना काम काज करवा के फिर तो टैंकी फुल करेंगे, बस साहिल भाई डाल रहे थे फिर मेरा ओह तू कहाँ आ गया था बीच में, ये चल के खुद आगे आया था भाई। भाई सफर अपना काफ़ी लंबा क्योंकि 20 की स्पीड में चल रहे हैं, हमारे साथ अब साहिल भाई भी जुड़ चुके हैं, इन्होंने बोला इस स्लो सफर का नज़ारा मैं भी लेना चाहूँगा। बिल्कुल मस्त चल रही है धीरे धीरे गाड़ी, इस गाड़ी में बैठने का मजा ही कुछ और है, सुकून अलग सा है। सुकून की बात मत करो, हॉर्न तो चलता है, यहाँ से हवा आती है गरीबो, हवा भी आती है यहाँ से, यहाँ मैं बोल रहा हूँ ना कूलर चल रहा है, हवा कहाँ से आ रही है, क्या बता। 12 बजने वाले हैं और जैसे तैसे करके भाई हम पहुंचने वाले उस चौक में जहाँ से हम गए थे गैराज, अभी रह गया अपना 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर में मान के चलो भाई 25 से 30 मिनट लगेंगे। इतनी स्लो जिंदगी में फर्स्ट टाइम गाड़ी चलाई और भाई बहुत गर्मी पागल से हो गया ना, क्या चल रही है यार। मैं सोचता हूँ एक को ना ऑटो मोड होना चाहिए, रोड में चल मैं पैदल चलता हूँ साथ साथ। सो भाई गाय फाइनली भाई अपनी 20-20 की स्पीड में चलते चलते अभी पहुंचे हम, 1 बजने वाला है, पानी लाया भाई फ्रिज से भर के पानी पियेंगे यार, और वायरिंग भी थोड़ी सामने है यार, वायरिंग चेंज करने वाली है सब, तो अपने काम है बस गैराज वाला, कल काम खत्म हो जाए उसके बाद भाई फिर करेंगे जो बाकी काम है वो। अभी कर्टन्स डालेंगे आगे आराम से मस्त सो जाएंगे, यहाँ पे कूलर किया अभी मैंने ठीक। सो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कल भी भाई गैराज जाएंगे उसके बाद अपनी ट्रिप होगी स्टार्ट, तो भाई मिलते हैं अनदर ब्लॉग पर, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। कभी कभी भाई लाइफ इतनी मुश्किल भी हो जाती है, बस जाते हुए आराम से गए तरपार सागर, खुश होकर हमने गाड़ियाँ निकाली, मस्त रील्स बनाई, उसके बाद गाड़ी अब उसमें प्रॉब्लम आ गई, आ गया गाड़ी है यार, पर फिर भी भाई कोई दिक्कत नहीं, साथ दिया इतना कि यहाँ पहुँच गई, अब कल गैराज पहुँचा देंगे। टेक केयर बाय बाय।